सब सोनी पट चुनाव को लेकर के सभी गाड़ियों की जांच की जा रही थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो BR1AP5886 ये नंबर उसका नकली है और इसी तरह के कई जो है बोर्ड वो लगा करके रखे थे। और ये हरियाणा से इस तरह से गाड़ी को तैयार किया गया था जिसमें शराब को जगह जगह छिपा करके रखा जा सका, तहखाना बना करके तंग रखा जा रहा था शराब को, हाँ तस्करी के लिए विशेष तरह का बनाया गया था। कितने लोगों की गिरफ्तारी? इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो सभी हरियाणा राज्य के सोनीपत एवं रोहतक जिला के निवासी हैं। इसमें एक महिला भी है, गीता देवी करके महिला भी है, जो परिवार बन करके पुलिस को चेकिंग टीम को धोखा देने के लिए रखा गया था। इन लोगों के द्वारा गोपालगंज स्थित जांच चौकी को पार नहीं करके बेतिया के रास्ते से दरभंगा तक का स्मगलिंग किया जा रहा था।